ये कह रहे हैं पूरा देश ही अवैध कब्जा है, पिछले तो गोबर खा गए, तुम गोबर खाओगे? बच्चा बेचारा गरीब मारा गया, किसी का तो लाल होगा। लो 5 लाख मैं देता हूँ, कौन सा अपना बच्चा देगा, मेरी देखी जाने। आज 10 बच्चे ला दो, 50 लाख दूंगा जी, मतलब मेरा ढूंढ बेच। बंदे की जान गई, 4 दुकान और जली, लेकिन तुम लोगों को सिर्फ 1 पैसे उससे ही खाए हुए आपने, बाकी 400 भी पैसे खाए भी मेरे से। वहाँ कौन बोल रहे आप, अतिक्रमण वहाँ कौन बोल रहे? आपका मेरे से तकलीफ होगी, किससे पैसे लेके? 4 से 5 चैनल अगर मैं कहूँ अभी फिलहाल मार्केट में मौजूद है, अभी तक सिर्फ 1 RSN आपके पास आया। और उल्टा आप सुनिए, आप लाइव चल रहे हो, ठीक है, ऊपर से आप मेरे ऊपर इस चीज को लेके भड़क रहे हो। मेरा मुद्दा गलत नहीं था, मैंने आपको ये बोला कि आप यहाँ बैठे हो, लोग इतने यहाँ इकट्ठे हो गए हैं तो क्या आने जाने में दिक्कत? करना काम है हमारा, आपका काम करना, जवाब मेरा देना है कि कमिश्नर जवाब तो दे ही नहीं रहे सर। मैं जवाब दे रहा हूँ ना। नमस्कार, मैं हूँ सोनिया और आप देख रहे हैं RSN एक्सप्रेस। और राजगुरु मार्केट की आन बान शान कहूँ या राजगुरु मार्केट का लैंडमार्क कहूँ, राम चाट भंडार जो पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में बना हुआ है, एक बहुत बड़ा हादसा, एक बहुत बड़ी घटना यहाँ पर हो गई थी जिसमें पूरा का पूरा जो है राम चाट भंडार आग की चपेट में आ गया था। साथ की साथ अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर एक छोटे बच्चे की आग की चपेट में आने की वजह से ही जान भी चली गई थी। आसपास की 4 से 5 दुकानें भी उसकी लपेटे में आ गई थी। रामचाट भंडार ने फिर से अपना सेटअप जो है यहाँ पर लगा लिया है। पहले मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूँगी कि टेंट लगा लिया गया है जिसमें अब यहाँ पर जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो बिकने लग गई हैं। वापस से जो भीड़ है यहाँ पर दिखने लग गई है, क्योंकि पहले भी लोग जब मार्केट में आते थे, राजगुरु मार्केट जो है एक शॉपिंग की सबसे बड़ी मार्केट है हिसार की, यहाँ पर लोग शॉपिंग करने आते थे, अपनी भूख और प्यास मिटाने के लिए जाते थे रामचाट भंडार में, तो अभी फिर से यहाँ पर वही सब शुरू हो गया। लेकिन साथ के साथ आप एक बार यहाँ पर जो रश है वो देख लीजिए, और उसका कारण भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि सामने दरी के ऊपर एक इंसान जो है बैठा हुआ है। क्या कारण है, क्यों वो दरी पे बैठे हैं, तो पहले उन्हीं से बात कर लेते हैं और जान लेते हैं कि किस वजह से वन मैन आर्मी बने हुए हैं अनिल महला जी, तो इनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम जी। क्या बात सर, आज आप दरी पे कैसे आ गए? आप दरी पे आ गए जी, मार्केट में अतिक्रमण और अवैध कब्जों के खिलाफ मैं पहले भी दरी पे, पहले भी 5 महीने धूप में बैठ चुका हूँ। तो आज आप किसके खिलाफ है? आज ये जो सरकारी कब्जे करवाने लग रही है, तो ये किसका मतलब, तो अधिकारी मिले हुए हैं पैसे खाने से मतलब है इनको, तो जनता से कोई सुविधा से मतलब नहीं है। अब जनता के लिए मैं धूप में हूँ, क्योंकि जनता ये बरामदे वगैरह जनता के हैं, लेवन बोला इसको दे दो, इसको दे दो, जबकि कल अखबार में आ रहा है, सुबह का अखबार में, कि रविवार शाम तक का टाइम था, क्यों नहीं हटाए जा रहे? अगर आओ तो वहाँ दे दो, ग्राउंड में दे दो इनको, जहाँ देना है वहाँ दो, पंजाबी धर्मशाला में दो, कहीं दो, हमें क्या मतलब है, लेकिन रोड पे नहीं देने देंगे कुछ भी हो जी। अगर आप रामचाट भंडार को पॉइंट आउट कर रहे हो, तो जितना एरिया इन्होंने लिया हुआ है, इतना एरिया तो ये पहले भी कवर करके बैठे हुए थे। ऐसा मैडम, मैं पहले भी इसीलिए बैठा था, आपने ध्यान नहीं दिया, तो मैं तो रोड पे अतिक्रमण अवैध कब्जे, अब तो सरकार ने लाइसेंस दिया है ना, मैं वो लाइसेंस की कॉपी लेना चाहता हूँ कि दिया तो दिया कैसे, अभी 2 बिल्डिंग बेसमेंट बनने लग रहे हैं, उसकी शिकायत दी हुई है। अगर निगम का कोई अधिकारी ये कहते बेसमेंट अलाउड है, तो उनके जूते खाने के लिए तैयार हूँ मैं, ये क्या मतलब होया जी? माँ पैसा चाहिए, बस पैसा चाहिए, और कहते हैं मैं ईमानदार कमिश्नर हूँ, हमारी शिकायतों के बाद प्रूफ के बाद कार्रवाई क्यों नहीं होती है? तो आपको क्या लगता है, आपके यूँ अकेले यहाँ पर बैठने से कुछ होने वाला है? अकेला नहीं हूँ मैं, आप लोगों के यही होता है कि मैं अकेला दिखता हूँ, जो मेरे पीछे लाखों लोग हैं वो अदृश्य है, वो दिखते नहीं आपको, वो दिखेंगे जब टाइम आने, ये चिंता मत करो आप। तो फिर अब आप क्या चाहते हो कि रामचाट तो भंडार का नहीं है ये, तो भाई मार्केट से अतिक्रमण हटाओ, मानना कौन बेरा, तुमने तो पैसे कमाने का आदर है, तुम्हारी मैडम कहते हैं हमें तो छोले भटूरे चाहिए, छोले भटूरे पैसे लेके खा दो, कहे राम के खाने जरूरी है, गोलगप्पे या पानी फ्री का पियो, पैसे लेके पी लियो, हमने तो अधिकारियों से मतलब है, हमने किसी पर्सनल राम चाट फलाना चाट दिगड़े चाट से कोई मतलब नहीं है। तो सर आप यहाँ पर बैठे हुए लोगों को देखो कितनी आने जाने में कितनी दिक्कत हो रही है, तो ये नई दिक्कत हो गई भी मेरे से। वहाँ कौन बोल रहे आप, अतिक्रमण वहाँ कौन बोल रहे? आपका मेरे से तकलीफ होगी, किससे पैसे लेके आए हो पहले ये बताओ, आप कितने में बिके हुए हो? सर मैंने मैं तो छोटी सी जगह में बैठा हूँ, गाड़ी के आगे बैठा हूँ, साइड में बैठा हूँ, रोड पे आने जाने पे, अब लोग ये साइड में हो जाए। ऐसा है ना, बंदे की जान गई, 4 दुकान और जली, लेकिन तुम लोगों को सिर्फ 1 पैसे उससे ही खाए हुए हैं क्या आपने, बाकी 400 भी पैसे खाते हैं आप, उनकी क्या चीज है?
सर एक बार ही हमारा चैनल चेक कीजिए, उसमें एक बार भी कहीं ये दिखा दीजिए कि हमने ये दिखा रखा हो कि रामचाट भंडार के फेवर में हम। अच्छा, ये तो मानते हो गए जिसको टुकड़ा डालता है सिर्फ उस उसकी। मेरी बात सुनिए, आप लाइव चल रहे हो ठीक है, ऊपर से आप मेरे ऊपर इस चीज को लेके भड़क रहे हो। मेरा मुद्दा गलत नहीं था, मैंने आपको ये बोला कि आप यहाँ बैठे हो, लोग इतने यहाँ इकट्ठे हो गए हैं तो क्या आने जाने में दिक्कत नहीं होगी? ऐसा मैडम, समस्या हर जगह है, अब समस्या हटवाओ तो समस्या, अब आप लोगों को समस्या है। सर सवाल करना काम है हमारा, आपका काम करना, जवाब मेरा देना है कि कमिश्नर जवाब तो दे ही नहीं रहे। सर मैं जवाब दे रहा हूँ ना, भड़क रहे हो, भड़क नहीं रहा। ये देखो आप सर, गर्मी ना चढ़ाइए, गर्मी बहुत है ऑलरेडी, गर्मी ऑलरेडी है। ये आप आपके मैं देख लो भास्कर का, सुबह कल शाम तक इनको हटाना था, मैंने अभी मैसेज कराया व्हाट्सएप पे कि आधा घंटा आपके पास है 11:48 पे। सर 4 से 5 चैनल अगर मैं कहूँ अभी फिलहाल मार्केट में मौजूद है, अभी तक सिर्फ एक आरएसएन आपके पास आया और उल्टा आप हमें ही सुना रहे हो, हम तो आपके साइड में। ऐसा है ना, मैं आपको सुना नहीं रहा, मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई 4 दुकानें और जली है, मन तो किसी का नहीं सुना कि भी उस दुकान का भी नुकसान हुआ है, सिर्फ एक का ही टाइम है, तो जिससे माल मिलता है उसी के गुणगाने जरूर थोड़ी है, जिसका वो बच्चा बेचारा गरीब मारा गया, किसी का तो लाल होगा, लो 5 लाख मैं देता हूँ, कौन सा अपना बच्चा देगा, मेरी देखी जाने, 10 बच्चे ला दो 50 लाख दूंगा जी, मतलब मेरा ढूंढ बेचना पड़ो, बताओ कौन सा देगा इनमें से बताओ। अरे तुम्हारे बच्ची का थोड़ी सी जल जाती है तो चिल्लाने लग जाते हो, मेरी बच्ची दूध से जल गई, आड़े का बच्चा जल गया, उसकी कोई अता पता ही नहीं है, खबर ही नहीं है, क्यों? क्योंकि वो गरीब नेपाली मानुष का था, ये जो थे प्रवासी बिहारी यूपी आ रहे हैं, ये क्या इंसान नहीं है? इंसान की कीमत बराबर है मैडम, और उसके लिए हम लड़ेंगे। अब तो मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ और अतिक्रमण के खिलाफ बैठा हूँ, मुझे रामचाट से कोई मतलब नहीं है, लोग जो गोड़ पे खा रहे हैं हत्या पे तो खाने दो, अपना क्या लेता है, अपना ही विचार अलग है उनके अलग है, कहीं वो खून पीने की आदत होती है तो उसका आप थोड़ी रोक सकते हैं। क्या चीज़ ऐसा है, मोस्टली अगेंस्ट में है लेकिन बोलते नहीं, क्यों? वो सहानुभूति वाली बात बन जाती है, सहानुभूति लिमिट की होनी चाहिए। अरे उसके 13 दिन होए को नहीं, उसको जगह दे दी, क्या मतलब होया, उसको तो भेज दिया अदबा, करोड़ों रुपए में बन जाएगा क्या जान वापस आ सकते हैं करोड़ों रुपए? शायद उनके लिए आ सकती होगी, हमारे तो नहीं लगता, मैं तो खुद कह रहा हूँ अपने 5 बच्चे दे दो 50। सर ऐसे अगर मुद्दे उठाने लगे, ऐसे सवाल करे तो बहुत सारे, लेकिन फिलहाल हमारा मुद्दा आप थे कि आप यहाँ पर किस लिए बैठे? मैं इसलिए बैठा हूँ कि शहर से अतिक्रमण हटना चाहिए, मतलब इसका मतलब ये हो गया ना, कमल गुप्ता मेयर और कमिश्नर खुद ही लाइसेंस दे रहे हैं कि अवैध कब्जे करो, आप ये कह रहे हैं पूरा देश ही अवैध कब्जा है, पिछले तो गोबर खा गए, तुम गोबर खाओगे? आप उनसे ये पूछो कि पिछले गोबर खा गया, आप गोबर खाओगे क्या? आपको बदला किस लिए? हमने हमने बदला है, आप चेंज लाओगे, लेकिन आप तो खुद ही गोबर में डुबकी लगा रहे हो, उन्होंने बोला हम भी खाएंगे, क्या मतलब होया? ये जनता का रोड है, जनता के लिए बरामदे, ये लड़कियां बच्चे आ रहे हैं धूप में है, मुझे तो धूप में कोई दिक्कत नहीं, ये बरामदे है ले गए वो, किसी का भी SCF जितने भी है, SCF का मतलब क्या होता है मैडम? सोप कम फ्लैट, हम खाओ जितना खाओ, लेकिन ये तो आराम का चाहिए, रोड पर भी चाहिए, और भी मिल जाए, और भी मिल जाए, इनका तो ये है। और अफसरों की मिली भगत, अफसर अपनी ड्यूटी क्यों नहीं, अगर ईमानदार है तो ड्यूटी क्यों नहीं करते, निकम्मे है या तो फिर उनको मतलब सिफारिश से लगे हुआ है, बात तो कहीं ना कहीं है ना, तो हम तो शहर की सुविधा के लिए बैठे हैं मैडम। देखो पूरी धरती गर्म है, मेरे ख्याल से आपको भी महसूस हो रहा होगा, मुझे ज़्यादा हो रहा है, आपकी जिन से आपको कम हो रहा होगा, तो ये हालात है मैडम, मैं शहर की वासी हूँ। सर अगर बुरा ना माने, भड़के ना, तो आपसे एक सवाल और पूछूंगी, जिस अभी तक रामचाट भंडार हो या चाहे जितनी भी यहाँ पर दुकानें हैं, अतिक्रमण कब से ही यहाँ पर है, तो अभी जब से ये 2 दिन से यहाँ पर टेंट लगाया तभी आप कैसे आ गए? आपको गलतफहमी है शायद, मैं 6 महीने लगातार वहाँ बैठ चुका हूँ, तो हमारे मैं आप यहाँ के कण लग रहे हो ना, अब कल ये आदेश आया था कि ये 5 बजे तक हट जाएगा, ठीक है, मेरे आदेश नहीं थे, इनके थे, फिर भी नहीं हटा, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पैसे का चक्कर है ना, हम साबित करना चाहते हैं, जनता को ये साबित करना चाहते हैं। परसों एक रेडी हटा दी थी सब्जी वाले की, क्योंकि इनकी मैडमों ने कहा था मैं तो गोलगप्पे का पानी पीना है, भटूरे खाने है, सब्जी नहीं लाना, तो सब्जी की रेडी हटा दी, ये लगी हुई है। अब हम इनके घर वालों को क्या बोले कि मैं उनके हाथ निवेदन है उनकी मैडमों से कि बच्चा आपका भी होगा घर में, गोलगप्पे खाना छोड़िए, सब्जी खा लिए और ये हटवाइए, अवैध कब्जे, ये पैसे तो नहीं आते जाते रहेंगे। तो अतिक्रमण को हटाने के लिए आज अनिल मेहला जी यहाँ पर दरी के ऊपर आके बैठ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं ये सवाल भी उनसे करना गलत नहीं था कि ये अतिक्रमण तो राजगुरु मार्केट में पिछले बहुत समय से है, तो क्या ऐसा है कि जब से रामचाट भंडार का टेंट यहाँ पर लगा है उसके बाद
बाद से ही इनको ये याद आ गया कि यहाँ से अतिक्रमण को हटा देना चाहिए। तो चलिए, वो तो उनकी सोच है, वो क्या सोचते हैं इसके बारे में वो हम आप लोगों को दिखा ही चुके हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिए। और एक और बात मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि हम अपने चैनल के माध्यम से हमेशा कोशिश करते हैं कि जो सही होता है उसको सही और जो गलत है उसको गलत साबित करें। तो मैं सोनिया किसी और खास अपडेट के साथ आप सबके सामने फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्कार।